मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से कैपकट इस समय मोबाइल फोन्स के लिए सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको एकदम प्रोफेशनल वीडियोस एडिट करके देगा। और मजे की बात यह है कि ये एकदम फ्री है। अब देखो, काफी लोगों के सवाल होंगे कि कैपकट को डाउनलोड कैसे करें, तो देखो यार, उसके लिए यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। सिर्फ आपको यही लिखना है कैपकट डाउनलोड कैसे करें। एंड्रॉइड आईफोन हर किसी में चलता है, मैं सब में चलाता हूं। बस यहां पे आपको कैपकट को डाउनलोड कर लेना है और साथ के साथ आपको चाहिए कोई भी एक वीपीएन वाली ऐप। फ्री वीपीएन आप प्ले स्टोर पे लिखो, आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। और मैं यहां पे कोई बिना टाइम वेस्ट करे आपको सीधा सीधा एक प्रॉपर वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा कैपकट के अंदर, जिसके अंदर कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं, साथ ही साथ उसमें कैसे हमें सबटाइटल्स लगाने हैं, सारा कुछ उसके अंदर, कट, कॉपी, पेस्ट, इफेक्ट, ट्रांजिशन, जो भी होता है एक वीडियो के अंदर, वो सारा कुछ कैपकट के अंदर आज आपको मैं करके दिखाऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं हम, यहाँ से चलते हैं हम कैपकट के अंदर। कैपकट में जाने से पहले हम अपने VPN को ऑन कर लेंगे। VPN बेसिकली आपकी जो लोकेशन है किसी और कंट्री की दिखा देगा, ताकि जो इंडिया में वेबसाइट्स या एप्स नहीं चलती उन्हें आप चला पाए। कैपकट में हम जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे करेंगे और जो जो वीडियोस हमें एडिट करनी है, जो जो क्लिप्स हमारे फोन से हमने शूट करी हैं, उन सबको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम चलते हैं सीधा क्लिप्स की तरफ। 1, 2, 3, 5, 6 और ये 7, 7 क्लिप्स हैं। अब यहाँ पर देखो नीचे HD का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर देखो आपके पास अच्छा खासा फ़ोन है जो प्रोसेसिंग जो है संभाल लेता है, तो यहाँ पे हम नीचे HD के ऑप्शन को भी ऑन कर देंगे। HD में बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो क्लिप्स हैं वो आप हाई क्वालिटी में एडिट उनको कर पाओगे। और अगर आपका फ़ोन स्लो है तो ये HD के ऑप्शन को आप हटा सकते हो, लेकिन सेव के टाइम पे जब आप करोगे तो आपको हाई क्वालिटी ही मिलेगी, उसकी टेंशन नहीं लो आप। यहाँ पे सिंपली HD को ऑन करके यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये देखो, ये हमारी 7 वीडियोस हैं जो करीब 5 मिनट 31 सेकंड की बन गई है। इसको हम लेके चलते हैं, एक शॉर्ट हमने बनानी है। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं आपको, अब देखो ये ऐसे ऐसे ये हमारी काफी सारी क्लिप्स हैं। इन सबको हम एक एक करके कट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा, जितने भी हमारी एक्स्ट्रा फुटेज है उन सबको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। दो उंगलियों को, दो अंगूठे को यूज करके आप स्क्रीन पे जब इस तरीके से करोगे स्क्रोल बाहर की तरफ, तो आप टाइमलाइन में जूम कर पाओगे। अंदर की तरफ करोगे तो टाइमलाइन को आप अंदर की तरफ कर पाओगे। सबसे पहले जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे। जो भी क्लिप में से आपको पार्ट डिलीट करना है, उसको जैसे आप क्लिक करोगे वो क्लिप जो है आपकी हाईलाइट हो जाएगी। अब यहाँ से हम, जैसे हमें ये सीन चाहिए जहाँ पे हाथ मिला रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्प्लिट करा और स्टार्टिंग का पार्ट हम यहाँ से डिलीट कर देंगे कुछ ऐसे। अब ये हमने हाथ मिलाया, इसके बाद यहाँ पे स्प्लिट करा दोबारा से, और जब मैं बैठ गया साइकिल पे साइकिल चलाने के लिए, इससे पहले का जितना भी पार्ट था हम इसको सारे को डिलीट कर देंगे। स्प्लिट और डिलीट हम करेंगे इस तरीके से। अभी वीडियो को फास्ट करना है, स्लो करना है, वो सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो में इसी तरीके से सारी क्लिप्स के ऊपर कट लगा देंगे। अब गलती से मैंने वीडियो डिलीट कर दी, तो मैं यहाँ से अंडू भी कर सकता हूँ। सिंपली हमारे पास ऑप्शन आता है अंडू का, ये यहाँ से स्प्लिट हमने किया पहले और उसके बाद डिलीट। अब ये अगली क्लिप है, इसमें से भी हम कपड़े उतारते हुए का शॉट रख लेंगे। हम चाहें तो स्प्लिट भी कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग के पार्ट को हम ड्रैग करके आगे की तरफ ऐसे खींच सकते हैं। स्प्लिट और डिलीट करना आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उसमें बार बार आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली क्लिप हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। स्प्लिट डिलीट, अभी इसको मैं फटाफट से कर देता हूँ पूरी वीडियो को, स्प्लिट डिलीट, स्प्लिट डिलीट। अब देखो, एक ही वीडियो के अंदर मैंने अलग अलग शॉट ले रखे हैं, तो हम यहाँ से ये जो जैसे कैमरा घुमा रहे हैं, हम दूसरे एंगल को सेट कर रहे हैं, ये सारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। अब देखो, ये सारे पार्ट कट करने के बाद 1 मिनट 11 सेकंड की हमारी ये वीडियो है। अब इसमें फास्ट स्लो थोड़ा सा हम करेंगे आगे, लेकिन अब जैसे ओपनिंग मैं चाहता हूँ, ओपनिंग का जो शॉट हो मेरा, वो वीडियो हम लूप में चलाएं, तो उसके लिए हमारी जो एंडिंग है ये स्कोर्स वाली, तो इसी क्लिप को हम उठा के सबसे आगे रख देंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, क्लिप को सेलेक्ट करो, वीडियो में थोड़ा सा जूम करेंगे, सेलेक्ट करके इसको हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आगे चली जाएगी। जिस क्लिप को जहाँ रखना चाहते हो आप, ये वहाँ पे इसको आप ऐसे ले जाके रख सकते हो। अब ओपनिंग में हमने अपनी एंड वाली क्लिप को रख दिया और एंड में जो हमारी सेम क्लिप है, तो वीडियो एक तरह से लूप में बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले वॉइस ओवर करेंगे। वॉइस ओवर के हिसाब से हम बाकी की चीज़ों को कट कॉपी पेस्ट करेंगे, ताकि जो हमारी वीडियो है 1 मिनट के अंडर अंडर हो जाए। वॉइस ओवर करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐड ऑडियो का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके साथ में यहाँ पे आपको म्यूट का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। वीडियो में से हमें कोई भी आवाज नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपली म्यूट कर देंगे और जितनी भी वीडियो के अंदर आपकी आवाज थी वो सारी म्यूट हो जाएगी। अब हम वॉइस ओवर करेंगे यहाँ पे ऐड ऑडियो करके। यहाँ पे देखो, आपको अलग अलग ऑप्शंस नजर आते हैं। आपके पास साउंड इफेक्ट लगाने का भी है,
बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने का भी है, इफेक्ट का भी है, और अगर आपने वॉइस ओवर अपने मोबाइल में पहले से कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप साथ के साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं लाइव आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ यहाँ पे वॉइस ओवर। सिंपली जैसे ही हम इस माइक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो ऑडियो है रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने अपना वॉइस ओवर जो है लिख रखा है तो आपके लिए फायदा रहेगा, आप वॉइस ओवर को लिख के रखिएगा ताकि जो वीडियो है उसमें आपको इजी रहे वॉइस ओवर करने में। मैं यहाँ डेमो के लिए इसको फटाफट वॉइस ओवर कर लेता हूँ। जिम में अगर आप नए नए आए हो और आपसे स्क्वाट्स नहीं लग रहे हैं तो उसके लिए बेसिक। अब ये था हमारा वॉइस ओवर, इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब अगर हम वीडियो कुछ प्ले करते हैं तो कुछ ऐसी वीडियो हमारी चलेगी। जिम में अगर आप नए नए आए हो और आपसे स्क्वाट्स नहीं लग रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको देखो वॉइस ओवर हमारा सारा ठीक है। अगर आप चाहो तो आप वॉइस ओवर के अंदर भी एडिटिंग कर सकते हो। जैसे हमारी क्लिप है, स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा पार्ट हमारा साइलेंट था तो वो हम उठा के डिलीट कर देंगे और वॉइस ओवर को इस तरीके से आगे ले आएंगे। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, मान लो कि आपको वॉइस ओवर में मजा नहीं आ रहा, आपको चाहिए कि थोड़ी सी आवाज जो है आपकी क्रिस्प हो, या फिर वॉइस के अंदर कुछ ना कुछ हमें हैवी आवाज चाहिए, तो वॉइस इफेक्ट के ऊपर हम चले जाएंगे। सिंपली जो आपकी वॉइस वाली टाइमलाइन है इसको क्लिक करो, वॉइस इफेक्ट में जाओ, और अगर आपने VPN ऑन कर रखा है तो यहाँ पे आपको काफी सारे इफेक्ट्स अलग अलग ये दिखाने लग जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपकी वॉइस किसी भी तरीके से हो, मान लो रोबोट वाली आवाज में आपको करना है तो इस तरीके से आप वो भी कर पाएंगे। जो आपको अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप इनमें से कोई भी अपनी वीडियो के लिए अपनी पसंद से लगा सकते हैं। जिम में अगर आप नए नए आए हो और आपके स्क्वाट्स नहीं लग रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको सही वार्म अप करना बहुत जरूरी। अब ये हमारी रोबोट की आवाज इस पे है, मुझे नहीं लगानी, लेकिन अगर आपको लगानी है तो आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डीप करनी है तो डीप भी आप कर सकते हैं, डीप हाई लो बेसिक कुछ भी आपको करना है तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने कट कर ली सारी क्लिप्स, उसके बाद हमने वॉइस ओवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वीडियो में हमें चाहिए की फ्रेम्स, हम चाहते हैं कि वीडियो में थोड़ा सा वीडियो जूम इन होती हुई जाए, वीडियो थोड़ा जूम आउट होती हुई जाए, वीडियो को थोड़ा सा और सिनेमैटिक बनाने के लिए, तो की फ्रेम्स भी बहुत ज़्यादा आसान है कैपकट के अंदर लगाना। जहाँ पे ये आपको अंडू का बटन दिख रहा है इसके साथ में हमारा की फ्रेम का ऑप्शन भी आपको नजर आएगा। सबसे पहले जिस वीडियो के अंदर आपको मोशन चाहिए अपनी वीडियो को सिनेमैटिक बनाने के लिए, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में और हम की फ्रेम लगा देंगे। जैसे हम उस पर टैप करेंगे आपको देखो यहाँ पे एक रेड डॉट सी वीडियो के अंदर बन गई है। अब जहाँ तक हम चाहते हैं वीडियो में जूम इन हो वहाँ पे हम अपने कर्सर को लेके जाएंगे और जो हमारी स्क्रीन है इसी के ऊपर टैप करके इसको थोड़ा सा जूम इन कर देंगे। जहाँ पर भी वीडियो आपको रखनी है आप इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे हम इसको करेंगे देखो एक और रेड डॉट हमारी बन चुकी है। अब वीडियो को अगर मैं प्ले करके दिखाऊं यहाँ पे, जिम में अगर आप नए नए आए हो और आपसे स्क्वाट, कुछ इस तरीके से वीडियो में हमारा जूम इन हो जाएगा। ऐसे आप पूरी सारी क्लिप्स में कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स आपको और भी देखने को मिल जाएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो हम मान लो हमने की फ्रेम लगा दिया, की फ्रेम्स के अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मान लो कि जूम जो है आपको लग रहा है कि एकदम तेजी से हो रहा है, तो बेसिकली ये जो की फ्रेम के साथ में आपको एक कर्सर बना नजर आ रहा है एक ग्राफ सा, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा देगा कि आपको जूम इन कितना स्मूथली चाहिए, कितना फास्ट चाहिए, कितने आराम से चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप इनमें से कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो और वो आपकी स्पीड को मोशन उसी तरीके से स्मूथली बना देगा। अब हम आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए। टेक्स्ट से पहले ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्लिप्स है उन क्लिप्स के बीच में आप देखोगे ये जो माइनस का बटन आपको नजर आता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग दुनिया भर की ट्रांजिशंस नजर आ जाएंगी। आप चाहते हो कि आपको कुछ मिक्स देखने को मिले, कुछ ऐसे बिफोर आफ्टर सा हो, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग काफी ट्रांजिशंस हैं। अगर आप चाहते हो हर एक क्लिप के ऊपर अलग अलग ट्रांजिशन हो तो आप सब पे मैनुअली एक एक करके लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई एक ट्रांजिशन पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि ये ट्रांजिशन मेरी सारी क्लिप्स के ऊपर हो तो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करो और अप्लाई टू ऑल कर दो, तो जितनी भी ट्रांजिशंस हैं, जितनी भी आपकी क्लिप्स हैं, उन सब के ऊपर ये ट्रांजिशन लग जाएगी कुछ ऐसे। अगर आप चाहते हो कि ये अंडू करना है तो आप सिंपली अंडू के बटन से क्लिक कर सकते हो। अब सबसे हट गई है, सिर्फ पहले वाले पर रह गई है। चेंज करनी हो तो आप सिंपली चेंज भी कर सकते हो, दोबारा से उसी पे क्लिक करो और कोई और ट्रांजिशन आपको लगानी है तो वो आप लगा सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। अब मान लो टेक्स्ट है आपको जो सबटाइटल लगाने हैं या कुछ टेक्स्ट लगाना है, वो हम यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, टेक्स्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि यार देखो ऑटो लिरिक्स है या फिर ये ऑटो कैप्शन है, ऑटो कैप्शन आपके कैपकट में हिंदी में काम नहीं करेंगे। अगर आप इंग्लिश में वॉइस ओवर करते हो या फिर आप कोई म्यूजिक लगाते हो, कोई इंग्लिश सॉन्ग आपने लगाया,
उसके सबटाइटल यहाँ पे ये बहुत ऑटोमेटिकली अच्छे से कर देगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो आवाज है वो ही ऑटोमेटिक करे, अनफॉर्चुनेटली हिंदी में ये नहीं कर पाता है। कोई बात नहीं, लेकिन इजी तरीका है, मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, या कैप्शन के ऊपर हम जाएंगे, कैप्शन में जो भी आपको लिखना है, मान लो कि स्क्वाट्स कैसे करने हैं, स्क्वाट्स इन जिम, यह हमने किया। स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके का स्टाइल हमें रखना है। बैकग्राउंड हमने कर दिया इस तरीके से, कलर हम अपनी पसंद से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ग्लो इफेक्ट वाले टेक्स्ट भी है, अगर आपको ग्लो चाहिए अपनी वीडियो के टेक्स्ट में स्टाइल से, जैसे हम बैकग्राउंड को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इफेक्ट देखो हमारा ग्लो वाला इफेक्ट है, काफ़ी अच्छा है ये। और साथ ही साथ में हम चाहते हैं कि एनिमेशन के साथ है, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। अब एनिमेशन में आपको यहाँ पे कोई भी लगा के दिखाऊँ, अगर जैसे जैसे इस तरीके से, या फिर हम चाहते हैं कि एक एक करके आए। ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे रख दिया, इसको हम बड़ा छोटा कुछ भी हम करना चाहे वो कर सकते हैं। अब देखो नीचे हमारी जो टेक्स्ट की लेयर है वो बन चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये ज्यादा देर तक रहे, तो इसको उठा के ड्रैग कर देंगे हम आगे तक। अगर हम चाहते हैं कि ये कम देर तक रहे, थोड़ी सी देर ही रहे, तो इसको सिंपली ड्रैग करके आगे की तरफ हम ले जाएंगे। अब अगला इसके बाद टेक्स्ट लिखना है, तो यही सेम तरीके का अगर करना है तो सिंपली इसको उठा गया, कॉपी किया यहाँ से, ये जो है यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करा, कॉपी का ऑप्शन आया, और इसको उठा के हम आगे ले जाएंगे कुछ ऐसे। अब इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, देखो इस तरीके से हमारे टेक्स्ट आते रहेंगे कुछ। ये जो चीजें हैं ये आप मैन्युअली बैठ के अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो बनानी है तो टेक्स्ट के फॉन्ट को स्टाइल को बार बार चेंज नहीं करना। एक अपना फॉन्ट ढूंढो अपनी पसंद का, एक स्टाइल ढूंढो, और उसी तरीके के सबटाइटल्स अपनी वीडियो में लगाया करो। उसके बाद मान लो कि आपको कुछ लिरिकल वीडियोस बनानी है, तो वहाँ पे ये आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। टेक्स्ट के टेम्पलेट्स हैं जो अलग अलग तरीके से निकल के आएंगे, सोशल मीडिया के ये जो इफेक्ट है लाइक शेयर वाले, ये सब आपको लगाने हैं तो ये सब आप लगा सकते हो। सिंपली इसको कुछ नहीं करना, जो भी आपको स्टाइल पसंद आ रहा है उसको यहाँ पे क्लिक करा, और ये हम इसके साइज को बड़ा छोटा जैसा भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। मान लो कि आपको जो सबटाइटल के नीचे ही रखना, कि अगर आपको लग रहा हो कि ये सबटाइटल है इसी के साथ में ही वो आना चाहिए, तो सिंपली इसको उठा के आप नीचे वाली लेयर पे रख सकते हो, और इसको हम उठा के आगे ले जाएंगे। ये इस तरीके से दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ आएगी एक साथ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो दोनों चीज़ें आप एक साथ लगा सकते हो। साउंड इफेक्ट्स की बात करें तो साउंड इफेक्ट्स भी सेम इसी तरीके से लगेंगे। अब जैसे ये हमारी ऑडियो है, ऑडियो के साथ अगर हम देखेंगे तो साउंड का ऑप्शन यहाँ पे हमें नज़र आता है। जो भी साउंड इफेक्ट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक आपने डाउनलोड कर रखे हैं, वो सिंपली आप अपने मोबाइल में जो है आपका फाइल मैनेजर, उसमें से आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। अभी मेरे पास फिलहाल कोई ऐसा गाना नहीं है जो कॉपीराइट फ्री हो, जो मैं चला के दिखा सकूं यहाँ पे। फिर भी एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक म्यूजिक यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ये गाना हमने यहाँ पे लगा दिया, नीचे हमारा म्यूजिक चल रहा है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम करनी हो तो सिंपली उसको क्लिक करो, और वॉल्यूम को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, जो आपको करना भी चाहिए इस तरीके से। अब उसके बाद देखो जो गाना है हमारा वो बिल्कुल आगे तक गया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्प्लिट और इसको डिलीट, एक्स्ट्रा पार्ट को हम सारे को डिलीट करते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे सबटाइटल भी लगा दिए, हमने म्यूजिक भी लगा दिया, हमने वीडियो में ट्रांजिशंस भी लगा दी, और की फ्रेम्स भी कर दिए। अब मेन चीज, अगर आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ कमी है, कलर ग्रेडिंग करनी है, तो कलर ग्रेडिंग के लिए कैपकट जो है पीसी वाला, लैपटॉप वाला, उसमें बहुत बढ़िया चीजें हैं। मोबाइल वाले में इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ फिल्टर्स हैं जो काफी अच्छे हैं, अगर इनमें से कोई आपको पसंद आता है तो वो आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये है, काफी अच्छा है ये भी, नो डाउट काफी अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक एक कलर्स को मैन्युअली एडजस्ट करना, तो वो फिलहाल कैपकट के लैपटॉप वर्जन में है। अगर उसका ट्यूटोरियल आप चाहते हो कैपकट लैपटॉप पे सिखाया जाए, तो वो हम जरूर यहाँ से सिखा देंगे। कलर ग्रेडिंग है, जैसे ये जो फिल्टर है इसको उठा के हम ड्रैग कर देंगे पूरी क्लिप के ऊपर, ताकि सारी क्लिप्स के ऊपर हमारी सेम कलर ग्रेडिंग हो जाए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप वीडियो को पूरा अच्छे से बना सकते हो। अब मेन चीज आ जाती है वीडियो को सेव करना। लोग अक्सर सोचते हैं यार कि शूट तो हमने हाई क्वालिटी किया था, लेकिन एडिट के बाद जब अपलोड करते हैं तो वो बेकार क्वालिटी हो जाती है। तो सेव करने का सही तरीका आप सीख लो यहाँ पे। बेसिकली आपको क्या करना है, 1080p ये जो ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर जाना है। अगर आपने वीडियो 4K में शूट करी थी तो इसको स्लाइडर को 4K की तरफ लेके जाना है, लेकिन अगर नहीं करी थी तो 4K की तरफ इसको नहीं लेके जाएंगे। फ्रेम रेट जो है आपके मोबाइल की बाय डिफॉल्ट देखो 30 फ्रेम रेट ही होते हैं। अगर आपने स्लो मोशन में शूट किया हुआ सारा वीडियो 60fps 90fps जितने पे भी किया है, तो भी इसको हम 30 के ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि Instagram और YouTube दोनों 30 और 60 फ्रेम रेट के ऊपर मोस्टली हमें वीडियोस को दिखाता है। बिट रेट वाली बात आ जाती है, लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा हाई पे कर दो तो सबसे बेस्ट क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी।
ऐसा नहीं होता। जब आप 1080p में वीडियोस बना रहे हो तो आपकी जो वीडियोस की बिटरेट है वो हमेशा आपको रेकमेंडेड पे रखनी चाहिए, यानी कि बीच में रखनी चाहिए। अगर मैन्युअली ऑप्शन आ रहा है 10, 15, 20, 30 जितनी भी रखनी है तो 12 से 20 के बीच में आप रख सकते हो। अगर 4K में शूट करिए वीडियो, 4K में एडिट करिए वीडियो और 4K में ही एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसको हाई रख सकते हो या फिर 40-50 के आसपास अपनी बिटरेट को रख सकते हो। उसके बाद सिंपली हम यहाँ से सेव कर देंगे ऊपर के बटन से और ये वीडियो जो है हमारी सेव हो जाएगी। तो गाइस आई होप आपको ये कैपकट का ट्यूटोरियल पसंद आया हो, मजा आया हो। ऐसी और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।